तो अभी का सीन ऐसा है, मेरा जो बाइक का चार्जर था वो बिल्कुल ख़राब हो गया था, एंड BS4 में पहली बार ये हुआ है कि जो चार्जर है वो ख़राब हो गया, वरना BS3 की बहुत ही ज़्यादा कंप्लेन थी। तो अभी का जो चार्जर है वो मेरा ये है जो ख़राब हो गया था, अब जो है डल चुका है। तो थैंक्स टू सिंपी बाजी आ जाओ बाहर आ जाओ, आप दिख नहीं रहे हो लाइट पे। तो थैंक्स टू सिंपी बाजी, इन्होंने चार्जर कहीं से भी अरेंज करके वो लगवाया, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया कल मैं ट्रिप पे निकल रहा हूँ बाहर, तो इन्होंने मेरी बहुत ही हेल्प करी है। बाकी प्रॉब्लम बेसिकली हुई क्या थी पाजी, मेन है आपकी, अभी आपने पिछले हफ्ते आपने आके नई बैटरी डलाई, उसके बाद भी चार्जिंग नहीं हो रही थी, तो वो हमने मीटर लगाया, चार्जिंग चेक करी, बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं हो रही थी, जला के बिना लाइट के भी दोनों तरफ से चार्जिंग नहीं हो रही थी। फिर हमने चार्जर आपके सामने बदला, अब चार्जिंग चेक करी है, अब A1 हो गया। Yes. उम्मीद करते हैं कि दोबारा प्रॉब्लम ना है, ये BS3 के अंदर प्रॉब्लम थी। हाँ. ये अभी तक मैंने BS4 के अंदर पहली कंप्लेंट देखी अभी तक की चीज। बाकी कंपनी से इस बारे में बात की जाएगी कि चार्जर में BS4 मतलब BS4 में इतनी कंप्लेंट कैसे आ रही है। तो बाकी थैंक गॉड ये सब चीज़ें ठीक हो चुकी है। बाकी आप यहाँ का एड्रेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है सिंपी बाजी की शॉप, आप कभी भी आए, गली नंबर कौन सी है बाजी? गली नंबर 36 है, ये गली नंबर 36 आए मेरे पास। यस, सबसे पहले फ़ोन जू कर रहे, जैसे आपने मेरे को 2 दिन पहले फ़ोन कर दिया था, आज आप आए हो, सुबह भी आपने फ़ोन करा, तो ये चीज़ है। तो जब भी आप आए तो फ़ोन ज़रूर करके आइएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं इनका नंबर और पूरा जो शॉप की एड्रेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन पर छोड़ दूँगा। बाकी चलते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी सारे काम निपटाते हैं और फिर शाम को पैकिंग वैकिंग करते हैं। गाड़ी भी हमारे पास आई है, से आइए, देखिए काम चल रहा है ये सारे। बाकी ये गाड़ी जो है ना, ये सर हमारे आज हमारे एक और यूट्यूबर हैं जो कि लद्दाख पोस्टिंग है इनकी, राइट? तो आर्मी से हैं ये, तो ये भी अपनी हिमालयन लेकर आए हैं, ये इनकी हिमालयन पूरी खड़ी है यहाँ पे, पूरे वायरिंग का काम इनका चल रहा है यहाँ पर। तो जैसे भी है, बाकी आपका सर चैनल नेम? मेरा चैनल नेम है तेंजिन हुसांग टिबेटन राइडर। और पाजी का काम जो है ना बहुत कमाल का है, ये मेरा थे, कल आया था मेरा बंदा बाइक साथ आठ कुछ था, हेमलाइन सब कुछ यहाँ पाजी का काम कर रहे, सब लोग बंदा ने मेरा काम तो बहुत बढ़िया है। पहले मेरा बाइक का बहुत खर्चा किया, अभी तक इसे कम मिला नहीं, इसके बाद मैं करने का यहाँ पे आ गया, पाजी के खेल से बहुत खुश हूँ मैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच पाजी। नहीं ये तो हम भी खुश हैं, तभी तो हम बार बार आते हैं यहाँ पे। सामान मिले, अवेलेबल मिले तो हमारे लिए इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम हमारे को कोई अगर टाइम अगर हमें कॉल करके आता है तो हमारे लिए वो सबसे बेटर रहता है। सही है, कॉल करके आए। एंड यस, इनका चैनल नेम है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दूंगा, तो इनको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड यस, चलते हैं फटाफट अपने काम पर और सारे काम निपटाते हैं आज के, और जल्दी जल्दी से निकलेंगे कल राइड। तो चलते हैं आगे, चलो। तो सीन कुछ ऐसा है अभी कि ये जो मेरा Insta360 था वो ख़राब हो चुका है, इसकी जितनी भी वीडियोस थी सारी करप्ट हो चुकी है। एंड मैं बैठा हूँ अभी मैकडी में, आई एम हैविंग एंड एंजॉइंग पिज़्ज़ा मैकपफ एंड आई ऑल्सो हैड अ मैक आलू टिक्की बर्गर। तो मेरे साथ जो है, मेरे साथ मेरा भाई बैठा है जिसने मेरे को GoPro दे दिया है। तो इससे ये जो शूटिंग अभी चल रही है GoPro Hero 7 से है, तो एक्स्ट्रा मैंने कुछ से ले लिया है। बाकी देखते हैं घर जाकर कि इस फाइल का क्या किया जाए, क्योंकि जितनी भी एक वीडियोस थी आज की सारी करप्ट हो चुकी है। बाकी की वीडियोस मैं इसी GoPro 7 से बनाने वाला हूँ आज की। तो थैंक्स ब्रदर, बाकी यहाँ से भी निकलता हूँ, तो चलते हैं, मिलते हैं सीधा बाइक पर। गुस्सा तो बहुत आ रहा है कि जितनी भी मेहनत हम लोग करते हैं वो सारा पानी में चला जाता है जब कैमरा वर्क नहीं करता। तो जितनी भी आज की वीडियोस बनाई थी सारी करप्ट हो चुकी हैं। जब से पहली वीडियो है जो मैंने स्टार्ट करा था तब की, सब बस वही की वीडियो जो है वर्क कर रही है। उसके बाद जितनी भी वीडियोस मैंने Insta360 से बनाई थी सारी जो है करप्ट हो चुकी है। तो गुस्सा बहुत आ रहा है। बाकी ये है कि अब जो आप वीडियो देख रहे हो वो आप देख रहे हो GoPro Hero 7 से, जो कि मैंने अभी अपने दोस्त से लिए है। थैंक गॉड उसने बैटरी चार्ज करके दी है, वरना अभी मैं उससे भी शूट नहीं कर पाता। तो GoPro ले लिया है दोस्त का फाइनली, तो निकल चुके हैं हम, अभी बेसिकली जा रहे हैं घर की तरफ, उसके बाद हम अपने दोस्तों से मिलेंगे। थोड़ा प्लानिंग शानिंग करनी है, क्या क्या सामान लेके जाना है, क्या है क्या नहीं, तो वो भी आपसे मैं शेयर करूँगा सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हम अपनी हार्ड डिस्क लेने के लिए अक्षरधाम या फिर सराय काले कहाँ जाएंगे, तो जहाँ पर भी जाएंगे वो मैं आपको बता दूँगा।
कहते हैं ना, दोस्तों के साथ जितनी मर्जी प्लानिंग कर लो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होती, तो वही चीज़ है। अभी तक भाई का ना कुछ हुआ ही नहीं है कि क्या कौन सी बाइक लेके जानी है कौन सी नहीं लेके जानी, कंफ्यूज हो रखा है। अपने पल्सर ले जाऊं या फिर हिमालयन ले जाऊं? हाँ, क्या पसंद आ रही है? मैं कह रहा हूँ हिमालयन ले जा, बट भाई मान नहीं रहा। भाई कह रहा है कि नहीं मैं एनएस ही लेके जाऊंगा। अब बड़ी मुश्किल से भाई को बनाया मैंने हिमालयन के लिए। तो भाई आप बताओ आप कौन सी फाइनल लेके जाना चाहते हो? हिमालयन है पक्का है? अब अलग नहीं, कोई डिसीजन चेंज तो नहीं होगा? और डिसीजन चेंज हुआ तो जब भी हिमालयन है दोनों भाई मारेंगे, याद रखियो। ठीक है, तो चलो भाई Hello. एक चीज तो फाइनलाइज हो गई आपके चलते कि भाई अब हमारी हिमालयन लेके जा रहा है। तो अभी फिलहाल जो है नाश्ता वास्ता हमने कर लिया है, ये रहा पूरा नाश्ता, चाय वाय ब्रेड ऑमलेट वगैरह खा लिया है और भाइयों के साथ कर लिए थोड़ी बकचोदी। यो तो चलते हैं फटाफट। अभी हमें कहाँ जाना है? हिमालयन लेने सर्विस सेंटर। तो अभी मैं निकल रहा हूँ हिमालयन लेने सर्विस सेंटर, फिर वहाँ से मैं अपने दोस्त के पास जाऊँगा हार्ड डिस्क लेने, फिर पैकिंग भी करनी है। करोल भाई आप ही जा रहे हो, हम नहीं जा रहे। ठीक है, आप ही जाओ जहाँ जाना है, हम थक लिए सुबह से। ठीक है ना, अब जल्दी काम ख़त्म करते हैं सारा और मिलते हैं आपको सीधा बाइक पे। चलो तो मिलते हैं आप सभी से फिर अपनी बाइक पर। तो निकल चुके हैं हम लोग, तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने दोस्त के पास जो कि हमें उससे लेना है टैंक बैग। फिर निकलेंगे अपनी हिमालयन को लेने के लिए सर्विस सेंटर से। तो फटाफट सारे काम निपटाने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज बहुत सारे काम है, सारे काम मुझे निपटाने हैं फटाफट रात से पहले, फिर पैकिंग वैकिंग करके फिर आराम से सोएंगे एंड सुबह उठेंगे और निकलेंगे हम अपनी राइड पर। यस, तो यही है। तो अभी जो दोस्त का घर है वो है मालवीय नगर में, तो फटाफट निकलते हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं हौसकास से 5-10 मिनट और लगेगा मालवीय नगर पहुँचने में, तो फटाफट पहुँचते हैं। आपको तो पता ही है कि जब ट्रिप प्लान होते हैं तो फिर उसमें इतनी ज़्यादा प्रिपरेशंस होती हैं, कभी ये लेना है कभी वो लेना है, कुछ भूल जाता है इंसान, कुछ है तो चलती रहती हैं छोटी मोटी चीज़ें। तो जैसे भी है फटाफट सारी चीज़ें निपटाते हैं फटाफट आज के काम और बस कल चलेंगे फिर हम अपनी 2021 की पहली राइड पे। तो यस, अभी से जो है एक्साइटमेंट शुरू हो गई है जैसे जैसे टाइम आ रहा है ना पास कि हाँ बाइक उठाएंगे और निकलेंगे राइड पे। तो 1200-1300 किलोमीटर की राइड होने वाली है। आई नो छोटी है बट ठीक है, जहाँ जा रहे हैं वहाँ ऑलरेडी बहुत ठंड है, पता नहीं वहाँ पे बाइक हम कैसे चलाएंगे, बर्फ़ ही बर्फ़ है, बट भगवान का नाम लेके कहीं पर भी चलो। यस, तो पहुँच चुके हैं हम लोग मालवीय नगर कृष्णा मंदिर, जहाँ पे हमारे भाई ने हमें बोला था। एंड है इसका दिबाबू मशाई, तो ले लिया हमने फटाफट उससे टैंक बैग और निकलते हैं क्योंकि हमें वहाँ वेट भी करना है। तो कैसे लोग हैं जो कि एम्बुलेंस को भी साइड नहीं देते, साइड के लिए बोलना पड़ता है कि भाई साइड दे दो, एम्बुलेंस आ रही है पीछे से, भैया साइड दे दो एम्बुलेंस आ रही है पीछे, साइड दे दे भाई एम्बुलेंस आ रही है। अभी हम पहुंच चुके हैं साकेत एंड भाई के हमारे कॉल पे कॉल आ रहे हैं कि जल्दी पहुंच जाओ, बस वी आर ऑन द वे एंड इट विल टेक अराउंड 10 मिनट्स ओनली। कहते हैं ना जब जल्दी किसी को कहीं पहुंचना हो तो कोई भी साथ नहीं देता, तो सेम हेयर। तो सैदुल्ला जाप पे इतना जाम लगा पड़ा है कि गाड़ी जो है बिल्कुल धीरे 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 निकल रही है और वहाँ पे भाई हमारा जो है वेट पे वेट कर रहा है एंड उसके फ़ोन पे कॉल आ रहे हैं कि भाई कहाँ पर रह गए कहाँ पर, उसको कैसे समझाऊँ कि भाई यहाँ पे जो है ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। बहुत ही धीरे 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 बाइक चल रही है, तो एंड आई विश कि हम जल्दी ये जो पूरा जाम है उसको पूरा करें। आगे तक जाम है आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है जाम लग गया है एंड सच में कोई रास्ता देने के लिए तैयार नहीं है एम्बुलेंस को, यहाँ पर जाए जो मर्जी हो जाए बट लोग रास्ता देने के लिए तैयार नहीं है, लोगों को बोलना पड़ रहा है कि एम्बुलेंस का रास्ता दे दो, भैया उधर कर लो उधर पीछे भैया उधर कर लो पीछे एम्बुलेंस है, भैया उधर उधर ले लो पीछे एम्बुलेंस है।
कसम से आप देख सकते हो जैसे कि मतलब एम्बुलेंस सच में पीछे है और लोग जाने के लिए मतलब हट नहीं सकते कि हाँ भैया एम्बुलेंस को जगह दे रहे हैं। एम्बुलेंस हाँ इतना फंसी हुई है। पीछे एम्बुलेंस है भाई, हट जा उधर उधर ओले। भैया उधर हो जाओ, एम्बुलेंस आ रही है, पीछे जगह दे दो उन्हें। भैया राइट हैंड साइड में हो जाओ, पीछे एम्बुलेंस है, थोड़ा देख के जगह दे दीजिएगा। तो लगभग 60% जो काम है वो निपट चुका है। अब जो 40% काम है वो है अपना, पहले तो हार्ड डिस्क लेकर आनी है दोस्त से, दूसरी चीज़ पैकिंग करनी है। तो पैकिंग का जो है वो मेन है, तो वही है, वही मान लो आपका 25% तो हमारा वही है मेन जिसे हम कहते हैं। तो बस ये सारे काम भी निपट जाए और आराम से फिर मैं सो जाऊं तो बेटर रहेगा, ताकि कल सुबह जो है जल्दीबाजी किसी चीज़ की ना हो, आराम से उठकर रेडी होके फिर हम लोग निकल जाएं अपनी राइड पर। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी मैं यहाँ से निकल गया हूँ एंड अब मैं जाऊंगा अपने दोस्त के पास हार्ड डिस्क लेने। हार्ड डिस्क लेके फिर मैं आऊंगा घर, घर पे करेंगे पैकिंग शैकिंग, आपको भी दिखाता हूँ। तो हिमालयन पिक करने के बाद मैं अपने दोस्त के पास गया और हार्ड डिस्क लेके सीधा आ गया हूँ घर। एंड सच में यार बहुत टायर्ड हो चुका हूँ, आज इतनी ज़्यादा बाइक चला ली है कि बस हिम्मत नहीं है। अब बस एक काम रह गया था जो कि मैंने आपको बताया था मेन काम, वो है पैकिंग। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सारा सामान जो है बेड पे लगा हुआ है। एंड यस, ये रहे मेरे पैनियर्स। तो लेंस वगैरह लेके जा रहा हूँ, अपना इनविजिबल रॉड इंस्टा 360 के लिए, बाकी हेलमेट, मेरे दोस्त का टैंक बैग, टी शर्ट्स, कपड़े। तो जिस जगह हम जा रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा ठंड है, तो वहाँ पर तो मोटी मोटी जो जैकेट्स वगैरह है वो लेके जानी ज़रूरी बनती है, वरना कपकपी चढ़ जाएगी वहाँ पे। तो उस समय माइनस में टेम्परेचर चल रहा है वहाँ पे। बाकी मेरा जो है एक्यूप्रेशर वाला, सीट प्रेशर वाला, वो सीट भी लेके जा रहा हूँ ताकि कंफर्टेबल राइड रहे, क्योंकि जो पूरी राइड है वो अराउंड आपके 1200-1300 तक भी हो सकती है आसपास। तो वही है, तो इतनी बड़ी राइड होने वाली है। बाकी गैजेट्स वगैरह सब कुछ रेडी है, बस पैक करके सोना है एंड कल सुबह आराम से उठना है और उसके बाद निकल जाना राइड पे। यस, तो 2021 की पहली राइड जो है वो मैं करने वाला हूँ कल से शुरू। तो सो जाते हैं, अभी बज गए हैं 10, तो सुबह जल्दी भी उठना है, बाकी सब चीज़ें भी मैनेज करनी है। करता हूँ इस वीडियो को फिर यहीं पर एंड, मिलता हूँ ऐसी किसी वीडियो में। लाइक किए बगैर मत जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। इंस्टा और फेसबुक मेरा ज़रूर से फॉलो करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलता हूँ ऐसी किसी नई वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।